सो दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम आर टीम टू यू, समीक्षा, अर्षिता एंड तनु. कैन यू सी माई स्क्रीन? यस जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. सो सिंस लाइक जब से तुम लोग ने ज्वाइन किया है, हम लोग लॉकडाउन में ही है. सो वुड लव टू नो कि व्हेन एंड वेयर वाज योर लास्ट ट्रिप. सो स्टार्टिंग विद, कोई भी स्टार्ट कर सकते हो अपने एंड से. No, no, about art and then we play the way so far. No. Pass the parcel challenge. So what will happen is Simran will say something about the topic and then she will proceed and give the mic to someone else. Ab wo jisko degi, that will be the person who will say next, and then that person will be responsible to delegate it to someone else, and it will go on from there. So okay, I'll start. So my last trip was 2 days back. I came back home, and it was like a 7-hour journey from Gurgaon to Kanpur. It was really nice and I was missing home, so it was a nice journey. Now I pass this to Sushmita. Okay, so मैं तो new हूँ, so मुझे तो कुछ खास नहीं पता है, but to be frank, जो चीज़ें मैंने सिमरन से सीखी हैं, मुझे MTM के बारे में सिर्फ सिमरन से पता है, and I exactly know her only. सो इट्स अ प्लेटफॉर्म, मतलब जिससे फीलिंग्स जुड़ी हैं सिमरन की, एंड बेसिकली सिमरन जो है, आप बोल सकते हो कि इट्स नॉट हर जॉब, इट्स हर लव पैशन, आप बोल सकते हो, एंड शी इज डूइंग अमेजिंग. ओके ओके, मेरी जर्नी बता रही है, बिकॉज लास्ट कहाँ ट्रैवल की, लास्ट योर लास्ट ट्रिप. ओके, टू बी फ्रैंक, फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स हॉस्पिटल रदर दैन दैट, 3 ईयर्स से मैंने कहीं ट्रैवल नहीं करा है. एक्चुअली टू बी फ्रैंक, फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स मैं कहीं गई नहीं हूँ बाहर, बस हॉस्पिटल या फिर होम, जस्ट इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ओके, सो आई एम पासिंग इट टू पंकज सर. थैंक यू सुष्मिता. सो व्हेन एंड वेयर वाज माय लास्ट ट्रिप? So my last trip was in Gurgaon itself. Lockdown chal raha hai, so wasn't able to go out much. But around a week ago, we went with some friends to Sector 29. It is supposed to be the party arena of NCR. So we went there and spent the night out. It felt nice ki itne saalon baad friends ke saath get together hua. It was really scary as well because bahut bheed bhaad thi. So it was like, wow, lockdown mein. Is it safe? Is it not? Delta wave आ रहा है, किसको कोरोना होगा? But दिमाग थोड़ा सा relax हो गया after that trip. So not sure if I got, I haven't had the symptoms yet, but it was at least worth spending one night from those last 2 years. So I will pass it to Arshita. My last journey was 1 month ago. I went to my nani's house. And it was exciting, like कि 3 महीने में पहली बार कहीं निकली थी घर से, कि कहीं बाहर जा रहे हैं. And I always enjoy to go my nanny house, like I love to go. मैं छोटे से वहाँ पे जाती थी. So it was like कि इतने time बाद कहीं निकले तो थोड़ा excitement था, हो गया बस. Now I pass on to समीक्षा. My last journey was, ऐसे तो कोई जर्नी नहीं गई है, बस लाइक अप एंड डाउन. माय लास्ट जर्नी वाज टू साकेत, जब मेरी सिस्टर का भी एग्जाम था तो मैं उसका एग्जाम दिलाने लेके गई थी क्लाट. लॉकडाउन में यही जर्नी थी मेरी. और वैसे अगर कोई ट्रिप का बोलूं तो 12th क्लास के बाद मैं कहीं गई ही नहीं हूँ. आई एम हियर ओनली, कॉलेज, होम और फ्रेंड्स के साथ कभी कभी बाहर, बट नॉट दैट वेल. विद इन द सिटी तो घूमती होगी समीक्षा? क्या सर? Within the city तो घूमती होगी? हाँ सर, within the city तो घूमती हूँ. जैसे उसका एग्जाम था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमी. आई टुक एडवांटेज है. सो आई पास दिस टू मेधा. हाय एवरीवन,
मेरी लास्ट टू लास्ट जर्नी कल रात को 1 बजे ही रही है, बस मैं मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में और मैं उनसे मिल के आई लखनऊ. मेदा, इज योर मॉम ओके नाउ या फिर इज इट स्टिल वेरी सीरियस? नो, शी हैज गॉट ऑपरेटेड कली, तो थोड़ा ठीक है अभी, बट पेन है अभी. आर यू स्टिल इन लखनऊ? नो नो, आई केम बैक. एंड व्हाट अबाउट हर, इज शी स्टिल एडमिटेड इन लखनऊ? यस यस यस, she'll be there about 1 week, for which 1 week she'll be there. Huh? Which hospital? Fatima. Okay, so I'm in Lucknow currently. Maybe I can share a small gift with her. Khana ghar ka bhejne kya? Bilkul. All right, I'll get in touch with you. Sure. I pass this to Rini. Rini di. Yeah. Hi everyone. So my last travel was on last Sunday. मैं बनारस गई थी, मैं अपने कजन को पिकअप करने, एंड हम लोग को याद भी नहीं था कि लॉकडाउन है सैटरडे संडे, एंड वी वेंट ऑफ, वी थॉट वी विल टेक अ ट्रिप ओवर देयर, बट देन वी एट समथिंग एंड देन वी केम बैक. सो दैट वॉज माई लास्ट ट्रिप ऑल अबाउट. एवरीथिंग वाज क्लोज्ड. आई सॉरी, everything was closed because of the lockdown. Yeah, everything was closed over there because of lockdown. So just we ate something like Banarsi's famous kachoris and sabji, and then we came back. So why did you go to pick up your cousin? Matlab, do you guys usually do that ki kisi ko aana hai to lene jaate hain? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, बट हम लोग बस ऐसे ही मिलके थोड़ा enjoy करना चाहते थे, लेकिन हम लोग को याद ही नहीं था कि हाँ कि ऐसा कुछ है. Yeah. I pass this to Anjali. Hi. मेरी लास्ट जर्नी हुई थी फेब में, हम उड़ीसा गए थे, लाइक जगन्नाथ पुरी मंदिर वहाँ के बीच. Just a second, sorry to interrupt Anjali. Simran, maybe you can stop sharing the screen because वो loop में आ गया है. Please go ahead, Anjali. तो हम लास्ट फरवरी गए थे फैमिली ट्रिप, उड़ीसा गए थे हम, जगन्नाथ पुरी, देन वहाँ के बीचेस एंड चिल्खा लेक और कोणार्क का सन टेम्पल, कलिंग का मंदिर एंड ऑल दैट. मतलब पूरा उड़ीसा हम एक्सप्लोर करने गए थे थोड़ा चेंज के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में ढील मिल गई थी फेब में. तो अंजलि एंजॉयड इट. हाँ, बहुत एंजॉय किया. आई विल पास इट टू दीपक. या एक्चुअली लास्ट ट्रिप मैं जयपुर की थी, एंड उसके बाद से जयपुर के पास में मैं नहीं गया, बट हाँ, जयपुर पे चौकी धानी वॉज द मीन्स अमेजिंग प्लेस. आई विजिटेड, मीन्स उसके पहले मैं कभी ऐसी प्लेस नहीं गया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा. और जयपुर में एक अक्षरधाम टेम्पल भी है, वहाँ पे हम विजिट किए थे. बट आई सजेस्ट, मीन्स अगर आप जयपुर जाए तो चौकी धानी जरूर जाए. No, no, ma'am. Actually, I have only 2 days for Jaipur. Lockdown के पहले 2 days थी, official trip था, but मेरे कुछ someone special persons थे वहाँ पे, तो जिनके साथ मैं visit किया था, तो इसीलिए हम लोग फिर रात में वहाँ पे चौकी जाने गए थे. 3 PM I got and came back to 9 PM actually. That's it. Does anyone know कि Delhi का अक्षरधाम copy है या? Yeah, I know. No, I already visited अक्षरधाम on Delhi also. दिल्ली के अक्षरधाम में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे नाइट में 7 PM वाटर शो होता है. That was awesome. Night show and water show. Yeah, water show बहुत बढ़िया होता है. मैं 2 बार दिल्ली गई हूँ, दोनों बार मैंने नाइट शो मिस किया है. No, आपको जाना चाहिए. मीन्स 7 PM पे होता है जब सनसेट हो जाता है. हाँ. वो बहुत अच्छा है. You must visit it. बहुत अच्छा है वो. बहुत अच्छा है. मीन्स मैं बहुत जगह विजिट करता रहता हूँ. रिसेंटली अगर देखा जाए तो मैं भी लखनऊ गया था कुछ, बट ये था कि वो कुछ ऑफिशियल वर्क था वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में, तो उसके लिए गया था. बट कुछ लॉकडाउन के कारण जब ट्रेन वगैरह नहीं चल रही थी तब मैं विजिट नहीं कर पाया. अभी कुछ प्लानिंग है, अभी दिल्ली कुछ दिनों में ही जाने वाला हूँ मैं. मे बी अगस्त इन स्टार्टिंग आई विल गो. If you come to Delhi, do inform us. A lot of us are located in Delhi. Yeah, in Delhi. Of course, I'll inform. So Deepak, you'll pass on to? Yeah, I will pass on to Arushi, I thought. Arushi is not there, I think. Arushi is not there. Swaraj and Tanua left. Sushmita.
जिम कॉर्बेट मैंने जैसे एक्सपेक्टेशन किया था वैसा निकला नहीं, मतलब उससे ज्यादा एनिमल्स मुझे जू में ज्यादा देख गए थे. मतलब मैं रिकमेंड करूंगी किसी को अगर जाना है तो मत जाइएगा वहां पे, बस ये है. हाँ एग्जैक्टली सफारी उन लोग ने मुझे 5 बजे उठाया था, हम कजिन्स गए थे जीप से एंड दे वर लाइक, वो हम लोग को एनिमल्स नहीं दिखा रहे थे, वो हम लोग को उसके मार्क्स दिखा रहे थे, ये देखिए सांप के मार्क्स है, ये वो शेर के मार्क्स है, ऐसे वो लोग मुझे दिखा रहे थे. बट मतलब उससे ज्यादा एनिमल्स मैं जू में देख लिया था. बट कहते हैं मैंने एलिफेंट राइड की थी तो इट वॉज ग्रेट. और थोड़े बहुत मैंने जैसे वो किए थे, गेम्स खेले थे और ये सब बहुत मतलब इंटरटेनिंग था, इंजॉय किया था मैंने काफी. लेकिन जिम कॉर्बेट अगर किसी को जाना हो तो प्लीज आई विल रिकमेंड, मत जाइएगा उससे ज्यादा आपको जू मिलेंगे एनिमल्स. वेरी डिफरेंट जिम कॉर्बेट में जब सफारी चल रही थी तो वी सॉ टाइगर्स राइट इन फ्रंट ऑफ आवर जीप, तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा यूनिक है. बट आई गेस इफ यू आर लकी ओनली देन यू गेट टू सी इट. उन्होंने खुद हम लोग को बताया था कि बहुत रेयर है कि आपको दिखते हैं. But it was very different from seeing the animals in the zoo because zoo में वो captured रहते हैं तो इस वजह से they are there, बहुत सीधे से लगते हैं. But वहाँ पे जब सामने 1 मीटर दूर एक टाइगर चल रहा है इतना बड़ा सा एंड वो फ्रीली चल रहा है, यू कैन जंप ऑन यू एनी टाइम, दैट वाज सुपर. मतलब एड्रेनलिन रश जो उसने दिया था दैट वाज नेक्स्ट लेवल. आपको दिखा होगा तो सही में आपके लिए होगा वो एक्सपीरियंस अच्छा, मुझे तो दूर दूर भी नहीं दिखा. ओके आई विल पास इट टू समीक्षा. हो गया सिर्फ स्वराज बचा. स्वराज स्वराज आई विल पास इट टू स्वराज. हाय पीपल आई एम स्वराज. So, those of you who don't know Swaraj, he has joined us as our HR manager. He conducted an O2O with you guys as well. So, you'll be seeing a lot more of Swaraj from now on. Mm-hmm. And it was his idea to organize this goodbye session. Yes. So, thanks, Swaraj. Hi, people. Yeah. So, hi, I'm Swaraj. It was really lovely interacting with you guys and knowing you guys more right now is amazing. Right, the last trip I went to was to Nainital. I went there in Feb end before the second lockdown started. So it was very fun. I went with my friends. We did a lot of things. We did boating. We did. We went to the zoo again. Not Jim Corbett, but we did went to the zoo. We did go to the zoo. It was amazing. But yeah, that's all I had to share. And also happy birthday, Tanu. Thank so, Swaraj, is it intentional? पीछे एक तरफ victory लिखी हुई और दूसरी तरफ danger लिखा हुआ है. So, Simran, let's. Okay. I'm sharing my screen again. So, guys, let's play a guess game. कौन-कौन ready है? मैं ready हूँ. I'm also in. Great. So, जिंदगी एक सफर है सुहाना. Guess who she is? She is one Simran. Of the members. Simran. Simran loves this song. नहीं नहीं. But Simran loves sweet things. So, but this. Yes. One, would love to binge butterscotch cake. नीचे साइड में आंसर दिख रहा है. अरे यार हाउ टू हाइड दैट. जस्ट प्रेस प्रेजेंट एंड इट्स ऑलराइट अगर म्यूजिक चलता रहे. इफ आई प्रेस प्रेजेंट नाउ देन इट विल. जिंदगी एक सफर है सुहाना. आई कैन स्टॉप दिस. नो प्रेस स्टॉप. ओह नो प्रेस स्टॉप. क्लोज इट. नहीं तो ऊपर देखो प्रेजेंट का ऑप्शन है. ऊपर नीचे नहीं. टॉप पे प्रेजेंट का ऑप्शन है. क्लिक ऑन दैट एंड प्रेस स्टैंडर्ड को क्लिक करो. स्टैंडर्ड ही है. यस स्टैंडर्ड इज प्रेजेंट. यस तो इसमें ऑटो प्ले नहीं होगा. यू विल हैव टू क्लिक नेक्स्ट आई थिंक. सॉन्ग लगा हुआ है इससे आई थिंक वो हो जा रहा है. एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना. यस गेस करो.
तो अब तो गेस हो गया, तो हो गया अर्षिता। सो अर्षिता, अर्षिता ने कल ही मुझे अपने केक की फोटो भेजी थी तो मुझे लग गया था यार। अर्षिता, I'm so sorry, अर्षिता। No issues. So should I move to the next person? Yeah. If somebody wants to add something, send a message to Arshita or share their experiences interacting with Arshita, I'm more than happy to start. Simran? Yeah. So Arshita, I really love the... By the way, you're very cute. And I really love the way you interact with the team, the way you have suggested me the ideas. And you were the only person jisne mujhe bola ki, ma'am, I miss chai pe charcha. So I really love the way you have interacted and always pitched in your ideas. Maybe it's whenever I gave you an activity, maybe it's related to Instagram or students ko padhane ki ya kuch bhi, so you have always come up with new ideas. Thank you for helping me out. Thank you, ma'am. Anybody else who would like to share a small message for Arshita? Arshita bahut pyari hai, like na usse first time call pe baat karo, दीदी हम ऐसा कर लेंगे, दीदी हम वैसा कर लेंगे, ऐसा लगता ही नहीं है कि उससे पहली बार बात कर रहा है कोई। शी इज लाइक, मतलब मैं जल्दी घुल मिल नहीं पाती हूँ, बट उसके साथ लगा ही नहीं कभी ऐसा कि मैं अजनबी से बात कर रही हूँ। वैसे हमारे सारे टीम मेंबर्स के साथ है कि कभी इंटरेक्ट करके लगता नहीं कि यू आर न्यू टू द टीम। और बहुत हेल्पिंग नेचर है, एनी टाइम रेडी अर्षिता, कॉल पे बात करनी है, हाँ दीदी मैं करती हूँ ना। अर्षिता इज वेरी 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 मच हेल्पफुल, ये तो है, उसको कभी भी कुछ भी बोलो, शी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, शी इज वेरी गुड अर्षिता। सर, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? सो आई पर्सनली I have mostly observed Arshita through her classes, jo recording pe chalti rehti hai. So I think a huge improvement in the way you used to not just, matlab shuruaat mein jab classes kar rahi thi us waqt se, and now when you have started interacting with the kids, it feels like they are part of your family. And the wo tumse request karte hain aur tumse kehte hain Arshita ma'am ye kariye wo kariye, aur jis tarah interact karte ho, I love the way you have found a family and in these kids, matlab बाकी एजुकेटर्स भी बहुत मैनेज करते हैं, बट वो जो पर्सनल लेवल पे हो गया है तुम लोग का रिलेशनशिप, आई यू हैव कम अप विद दिस, सो सुपर, थैंक यू सर। सिमरन, लेट्स मूव अहेड। सो हु इज द शशांक फैन ओवर हियर? समीक्षा, वो कौन है? बेस्ट इट्स समीक्षा, या How do you guys know that? उसकी profile picture भी ना सुशांत की लगी है actually. And while I was reading that welcome to my family वाला message, and Samiksha ने हर एक एक चीज सुशांत के बारे में लिखी है, beat अनी, beat मतलब हर एक एक जगह जहाँ पे सुशांत आए, तो it was like Samiksha message सुशांत. Oh my god. We all miss सुशांत. और समीक्षा, इट वाज रियली नाइस, हमारा लास्ट कॉन्वर्जेशन हुआ था, आई वुड लाइक टू ऐड कि द वे यू सेड कि मैम बच्चों को कौन पढ़ाएगा, तो इट वाज लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि यार यू वर सो, यस यू वर सो अटैच्ड टू द किड्स कि तुम्हें अभी तक व्हेन यू आर लीविंग यू फील कि यार बच्चों का क्या होगा, सो आई रियली लव इट, थैंक यू फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। समीक्षा, व्हाट यू लाइक टू से टू वर्ड्स टू एवरीबॉडी एल्स? Let's mix it up a little. Yes, sir. Journey was a beautiful one. You can say, मतलब problems भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा smooth ही गई है, बहुत मजा ही आया हमेशा, कभी कभी काम ज्यादा हुआ तो problems भी आती थी कि करने का मन भी नहीं करता था, but since जब मैं इनको पढ़ाती थी ना और वो सीखते थे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, I love, और जब वो the affection they give you, the respect they give you is just another level, वो बहुत अच्छा लगता था, और फिर धीरे धीरे जो हम लोगों की भी bonding हो गई, the bonding which we are sharing now, it's really great, so it was a great journey for me, I learned many new things, और ये मेरी first internship थी, तो ये मेरा बहुत अच्छा experience है। Alright, let's hope future में भी अच्छे experiences होते रहें, and if you ever want to come back, you're more than sure.
more than welcome to join us again. Same goes for all of you. Moving to the next person. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो जी ले अपनी जिंदगी इज व्हाट शी बिलीव्स इन. कहां से आई है ये और कौन है ये? एनी गेसेस? अंजलि दी. अंजलि नहीं. मेधा? नहीं. मे बी अनदर हिंट वुड बी हेल्पफुल. सिमरन एक लेटर बता दो नाम का. ओके सो ऐसा कुछ बताती हूँ कि आप लोग गेस ना कर पाओ ना. सो शी हैज अ यू इन हर नेम. तनु. हाँ मैं पढ़ के मैंने गेस कर लिया था. आइसक्रीम से मैंने गेस कर लिया था. सो शी इज नॉन अनदर देन आर तनु. थैंक यू. सो तनु इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू. तुम्हारी पहली क्लास अभी भी मुझे याद है जिस तरह से तुमने बच्चों से इंटरेक्ट किया था. बच्चे आर रियली हैप्पी विद यू. सो वी रियली होप कि फ्यूचर में व्हेनेवर यू हैव टाइम वी गेट बैक एंड यू वर्क विद अस अगेन. मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी लेकिन इट वॉज वेरी मेमोरेबल. मतलब इट वॉज वेरी गुड. मतलब स्टूडेंट्स इतने स्वीट है, इतने अच्छे से उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी और इतने स्वीट है. मतलब एकदम फैमिली वाली मुझे खुद भी मतलब उनके साथ फीलिंग आ गई थी. मतलब कल जब आपने मुझे बताया खत्म होने वाली है क्लास तो मुझे मतलब फील हुआ कि उन लोग मुझे कह रहे थे मैम कल आपका बर्थडे है, मैं कार्ड बनाऊंगा आपके लिए, मैं कार्ड बनाऊंगी आपके लिए. हाँ आप लोग आप मुझे नेक्स्ट सेल्फ लर्निंग में कार्ड बनाने को देना. ठीक है फिर ऐसे ऐसे करके वो लोग मुझे बोल लेते. तो आपने जब बताया आज क्लास नहीं होने वाली मैं तो बहुत सैड हो गई थी. मुझे बहुत खराब लग रहा था. तो उन लोग ने स्पेशली मुझे वीडियो बना के अभी एक भेजी. मैं ग्रुप पे करूंगी. मतलब इट इज वेरी स्वीट. मैं अभी मैं भेजने वाली थी बट क्लास थी अभी तो बस कंप्लीट करके अभी मैं ग्रुप पे भेजूंगी. मतलब बहुत स्वीट है. मतलब मैं बहुत मिस करूंगी उनको भी आप लोग को भी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. वेरी मेमोरेबल वन. विल मिस यू टू तनु. आई विल मिस यू टू. और किसी को कुछ ऐड करना हो तो प्लीज गो अहेड. सर दीपक समीक्षा जिसका भी इंटरेक्शन हुआ है तनु से कुछ भी किसी को भी ऐड करना हो. तनु से मेरा कोई इंटरेक्शन डायरेक्ट तो नहीं हुआ है बट जैसे वो ग्रुप में बच्चों का काम भेजती थी ना तो मैं नोटिस करती थी कि किड्स आर लर्निंग दिस. तो मैं वो बहुत ध्यान से देखती थी कि तनु क्या पढ़ा रही है. मैं कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ उससे. हाँ समीक्षा से मेरा भी इंटरेक्शन नहीं हुआ. अर्चिता अंजलि से हुआ है. हाँ तो उससे लगता था कि शी इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन हर टीचिंग एंड आई लव द वे कि वो मतलब हर चीज को बहुत डिटेल से कराती थी. वो बच्चों को जैसे वो भेजती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी उसका आइडिया लेती थी कि मैं भी ऐसी वीडियो बनवाऊंगी बच्चों की. सो आई लव द वे शी यूज्ड टू टीच. थैंक यू सो मच. एक्चुअली आई वांट टू ऐड समथिंग. Yes, actually, मैं डायरेक्टली तो नहीं जानता उनको एंड इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाया MTM से बट हाँ प्रज्ञा के थ्रू जानता हूँ. प्रज्ञा जो मिसलीड कर दिया अभी तो इतना जानता हूँ. प्रज्ञा के तनु के स्टेटस देखता हूँ तो डेट वॉज एसम. स्टेटस में ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड गर्ल है कि हाँ कुछ नया जानना है समथिंग लाइक इतना है इसके अंदर. थैंक यू सर. Thank you so much. So, being we all grew together from Evidya to MTM, we started with a team of 5 members. Now we are a team of 15 plus members. And I think Anjali was there when we just had 10 students onboarded. And now we have around 50 plus students which are onboarded with us. There was a time beech mein February se March ke beech mein where we weren't even sure ki ye program continue ho raha hoga ki nahi. Yes. But you guys never lost hope. I used to get messages from Arshita, Samiksha, Anjali and Tanu. Anjali and Arushi, not Tanu. So like it was, we have seen all this together and we wish that we can stay in touch and you guys never leave us. I hope. Sure ma'am. Yeah. So a big thank you everyone for helping us grow. Sab log ek dusre ke liye taali baja do ek baar. Thank you.
सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड. अगर किसी और को कुछ ऐड करना हो यू कैन टेक इट. Did someone just leave? नहीं नहीं आई एम देयर सर. बोल के तुरंत निकल गई. Someone just left आ गया था. Anybody else wants to share anything? No, just याद आएगी यार. कभी कभी मैसेजेस भले ही रैंडम हो जाते थे पर अच्छा चलता था. ठीक है, जब तुम लोग को टाइम मिलेगा अर्षिता समीशा तनु फील फ्री टू गेट बैक एंड मे बी टेक वन ऑफ आवर एक्सपर्ट सेशंस इफ नॉट फॉर रेगुलर क्लासेस. यस यस सो इवन वी विल बी स्टार्टिंग चाय पे चर्चा वेरी सून. स्वराज विल बी स्टार्टिंग इट राइट. स्वराज विल बी हेल्पिंग अस स्टार्ट चाय पे चर्चा सो यू कैन जॉइन चाय पे चर्चा. All right, great. So, goodbye, everyone. Thank you. Goodbye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye.